केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मधुबनी पहुंचे, जहां भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि मधुबनी संसदीय क्षेत्र का पांचवें चरण में मतदान 20 मई को होना है, इसे लेकर क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी तेज है। मधुबनी लोकसभा सीट पर एनडीए के भाजपा प्रत्याशी अशोक यादव का इंडिया गठबंधन के आरजेडी प्रत्याशी अली अशरफ फातमी से कड़ी टक्कर है। रहिका मिडिल स्कूल में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का है और रहेगा, उसे हम एक दिन लेकर रहेंगे। अमित शाह ने लालू परिवार और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि लालू जी 15 साल मुख्यमंत्री रहे, कर्पूरी ठाकुर के लिए कभी भारत रत्न का ऐलान नहीं किया, नरेंद्र मोदी ने उन्हें भारत रत्न दिया है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का आदरणीय लोन मंडल मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया, समृद्ध किया, गौरव मिला। मधुबनी वालों मुझे बताओ कि कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो भाई, है या नहीं है? एक घर के लिए अपनी जान दे सकता है, जान